बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा का आयोजन जिला अनुमंडल मुख्यालय में कुल 53 परीक्षा केंद्रों पर आज 1 फरवरी से शुरू हो चुका है। यह परीक्षा 12 फरवरी तक 2 पालियों में संचालित की जाएगी, जिसमें परीक्षार्थियों की कुल संख्या 41,056 है। जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय, पुलिस अधीक्षक बेतिया अमरकेश डी के द्वारा आज विभिन्न परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान RLSY कॉलेज, विपिन हाई स्कूल, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल धांगटोली सहित अन्य विद्यालयों का निरीक्षण किया गया तथा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, केंद्राधीक्षक एवं वीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में जिलाधिकारी द्वारा सीटिंग प्लान, फ्रिक्सिंग स्थल, CCTV कैमरा, वीडियोग्राफी, साफ सफाई, अन्य मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया गया। सभी परीक्षा केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई। परीक्षा का संचालन स्वच्छ, शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त पाया गया। जिले के अंतर्गत 3 अनुमंडल, बेतिया सदर, बगहा अनुमंडल और नरकटियागंज अनुमंडल, तीनों अनुमंडल मिलाकर 53 परीक्षा केंद्रों पर इंटरमीडिएट की परीक्षाएं चल रही हैं। पूरे जिले में शांतिपूर्ण, स्वच्छ और कदाचार मुक्त परीक्षा संचालित हो रही है। सभी जगह पुलिस बल की तैनाती? बिल्कुल, दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति पर्याप्त संख्या में है और इसके लिए तमाम अधिकारी, दंडाधिकारी सब विजिट कर रहे हैं और हमने और SP साहब ने खुद भी सभी सेंटरों को देखने का काम किया है।